ग्राम डेजिग्नेटेड कोकोनट ले ली है, जिसे हम नारियल का बुरादा बोलते हैं। 1 कप दूध लिया है, 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है, 50 ग्राम शुगर ली है मैंने पिसी हुई, थोड़ा सा पिस्ता लिया है, थोड़ी सी इलायची ली है पिसी हुई और पिंक फूड कलर लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेजिग्नेटेड कोकोनट में मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे, फिर इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे, इलायची डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसका डो रेडी कर लेंगे। ये मैंने डो रेडी कर लिया है। इसके लिए हमें सिर्फ आधा कप ही दूध लगा है और आधा कप बच गया। अब मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। ये मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम एक में फूड कलर ऐड करेंगे। ये हमारा डो रेडी है। अब हम इसकी शीट बनाएंगे। ये मैंने फॉइल पेपर ले लिया है, इसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम व्हाइट वाला डो डालेंगे और इसे प्रेस करते हुए हम स्क्वायर शेप में बनाते हैं। इसी तरह से हम दूसरे वाला भी रेडी कर लेते हैं। इसे भी हम ग्रीस कर लेंगे घी से। आप चाहे तो इसकी जगह बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। इसे भी हम प्रेस करते हुए स्क्वायर शेप में बनाएंगे। व्हाइट वाले के ऊपर ये पिंक वाला बेस रख देंगे। अब हम फॉइल पेपर को फोल्ड करते हुए इसे रोल कर देंगे। पिस्ता डाल देंगे। और इसे हम फिर से रोल करते हुए बंद कर देंगे और इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। इसे मैंने 1 घंटे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। अब हम इसे अनरैप कर लेते हैं। साइड्स निकाल देते हैं। अब ये हमारी इंस्टेंट मिठाई बनकर एकदम रेडी है, जिसे हमने बिना गैस जलाए ही बनाया है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।